गवर्नमेंट मुर्दाबाद, जे एंड के 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 गवर्नमेंट पवन हाँ जी इस समय हम मौजूद हैं रैया इलाके में। ये बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर भी आप हालात देख सकते हैं कि पावर क्राइसिस की वजह से यहाँ लोग जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। ये प्रदर्शन देखिए, उसके बाद यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या डिमांड है, क्योंकि सुबह से ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर बिजली को लेकर बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में इस समय जो पावर क्राइसिस देखा जा रहा है, जो पीडीडी इंप्लॉयज वर्कर स्ट्राइक पर है, और उसके चलते अब आम जनता भी सफर कर रही है, यानी लोगों के काम काज नहीं हो पा रहे, सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से सर्दियां हैं, लोगों को भी घरों पर काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है, लेकिन जिस तरह से कल यहां इंडियन आर्मी ने अलग अलग ग्रिड स्टेशंस को टेक ओवर किया और वहां पर कोशिश की कि बिजली की बहाली की जाए, लेकिन अभी भी सांबा की बात करें तो सांबा का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो पूरी तरह से ठप है, यहां पर बिजली नहीं है। हालांकि कुछ एक इलाकों में बिजली जरूर है। यहां के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं। सुबह से कहा जा रहा है कि तहसीलदार साहब यहां पर आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहां पर आएंगे और यहां जो ग्रिड स्टेशन बंद पड़ा उसे ऑन कराएंगे, लेकिन शायद जिन लोगों को हायर किया गया है उनके बस की बात नजर नहीं आ रही कि उनके ये बस में है कि यहां ग्रिड स्टेशन को चलाया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, सुबह से आप यहां प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ा पावर क्राइसिस मुझे लगता है कि शायद पहली बार आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर यूटी में कि पीडीडी एम्प्लॉय स्ट्राइक पर है और यहां पर भी बिजली का क्राइसिस है, उसकी दोबारा से मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। क्या कहना चाहते हैं? जब से ये पावर सप्लाई ठप की हुई है तब से किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है और ना ही अभी तक किसी ने आश्वासन दिया है कि लाइट कब आएगी, लेकिन लोग जहां डटे रहेंगे तब तक डटे रहेंगे जब तक ये लाइट का बंदोबस्त नहीं करते। ये इनकी सरदर्दी है कि कैसे चलानी है लाइट, कैसे चलानी है, डिपार्टमेंट इनका है, इनको पता होना चाहिए किसने चलानी है। ये कहते हैं कभी कोई इंजीनियर लाओ, कभी कहते हैं कोई नॉलेज वाला बंदा लाओ, ये हमारा काम नहीं, इट इज नॉट अवर ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जब तक ये गवर्नमेंट इसका कोई सलूशन नहीं करती हम जहां डटे रहेंगे। लेकिन ये कहा गया था कि जिस तरह से कल इंडियन आर्मी ने टेक ओवर किया पूरे ग्रिड स्टेशन को और वहां पर उन्होंने सुचारू रूप से बिजली भी जो है वो देना शुरू कर दी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आज एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम लोगों को हायर करेंगे बाहर से लाकर वो अलग अलग ग्रिड स्टेशन पर भेजेंगे, क्या आपको लग रहा है कि सुबह से ये जो फॉल्ट आपके इलाके में आया या पर्टिकुलर पूरे सांबा में आया वो ठीक हो पाएगा इन लोगों से जो यहां पर अभी जिन लोगों को हायर किया गया है, बाहर से कोई आईटीआई इंजीनियर है या कोई इस तरह के लोगों को बुलाया गया? मुझे लगता है कि ये सिर्फ आश्वासन ही रह जाएगा, क्योंकि जब तक डिपार्टमेंट के लोग खुद काम नहीं करेंगे तब तक ये सलूशन निकलने वाला नहीं है। जो फिलहाल आश्वासन तक ही रहेगा, सीमित रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में वक्त आ गया कि प्रशासन को उनकी बातें सुननी चाहिए जो स्ट्राइक पर पीडीडी एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं? बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि पीडीडी के जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी जो जेन्युइन डिमांड है उनको सुना जाए, उनको सोल्यूशन निकाला जाए उसका, और लोगों को जो परेशानी दिक्कत आ रही है उसका भी सोल्यूशन निकल जाएगा। क्या संदेश रहेगा आपका? नमस्कार सर। सर संदेश यही हमारा, हम यहाँ से कम कुछ 4 घंटे होकर रुके हुए, 4 घंटे से अब तक कोई हल नहीं हुआ। अवसर आते हैं देख के वो चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, अभी तक कुछ हल नहीं हुआ है। मैं आपसे माध्यम से ये कहता हूँ, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, अपनी जगह पे वो भी ठीक है। हम कहते हैं 3-4 घंटे लाइट दे दो हमें तो उसके बाद बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, गाय को पानी पिलाने वाला है, आपने घर पे पानी नहीं रुका हुआ है, पानी की इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि आप जाके देख सकते हो। हाँ, हम ये आपसे माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारी बात आगे तक पहुंचाइए। सुबह से ये कहा जा रहा था कि तहसीलदार यहाँ पर आएंगे या और अधिकारी, कोई मौके पर आया? कोई झूठ है, सारा झूठ है। मालिक जाने ये कैसी नौकरी करते हैं, कैसी सर्विस कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता। ये अपने कैसे झूठे काम करते हैं सारे।
आज तक जो भी किया ना झूठा किया, सच्चाई हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है जाने की। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, बड़े बच्चे भी आए हैं, सियाने बुजुर्ग भी आए हैं, सरपंच पंच सारे आए हैं, बॉर्डर से लेके यहाँ तक रैया पंजाब तक सारे आए हैं। सिस्टम फेलियर पूरा ठप हो चुका है, पूरा ठप हो चुका सर, पूरा ठप चुका है सर। अंदर जो अपने ग्रिड पे ड्यूटी वाले बंदे हैं वो कहते हैं इधर लिख के अब चलाओ जो चलाना है। हमारे बंदे आए चलाने के लिए और उन्होंने नहीं चलाया, कह रहे हम कौन जवाब दे ले, हम जवाब दे ले, कोई आगे मर जाएगा कौन जवाब दे लेगा। बिल्कुल यहाँ पर सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है, खासतौर पर मैं यही एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रैया इलाका है और ये बॉर्डर की ओर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं रैया इलाके से लोग गुजरते हैं, रैया इलाका इस समय पूरी तरह से बंद है। मैं सबसे पहले आपको अगले दृश्य दिखाना चाहता हूँ, देखिए पीछे मेरे यहाँ पर रोड को भी बंद किया गया है, सुबह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप पीछे ट्रैफिक देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक जो वो जैम है और यहाँ गाड़ियां जो वो वापस जाती हुई आपको नजर आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं पावर क्राइसिस जो इस समय देखा जा रहा है, ये मुझे लगता है कि हिस्ट्री में पहली बार होगा कि ऐसा पावर क्राइसिस जिसमें पीडीडी इम्प्लॉयज जो वो लगातार हड़ताल पर है, आज तीसरा दिन है, लेकिन जो सरकार के साथ उनकी मीटिंग चल रही थी, जो सरकार के साथ उनकी बातें हुई, उन बातों पर किसी तरह का कोई भी अभी तक जो वो मोहर नहीं लग पाई है और कोई भी अभी तक फैसला जो वो नहीं आ पाया है, जिसके चलते तीन दिनों से बिजली ठप है और लोगों के काम काज पूरी तरह से रुक चुके हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि जिंदगी पूरी तरह से थम चुकी है, लेकिन जो भारतीय सेना ने कल कर दिखाया, मुझे लगता है कि वो काबिले तारीफ था। जिस तरह से उन्होंने ग्रिड स्टेशन पर जाकर बिजली जो है वो बहाल करना शुरू की, बिजली को रिस्टोर करना शुरू किया, लेकिन आज अलग अलग जिला स्तर पर जो मीटिंग सुबह से लगातार जारी है, जिसमें जिला उपायुक्त की बात करें, डीसी जो है अपने अपने जिला के वो मीटिंग्स कर रहे हैं और वो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि हम लोगों को हायर करेंगे और उनको अलग अलग ग्रिड स्टेशन पर भेजेंगे ताकि फीडर किसी तरह से ऑन हो जाए, लेकिन ये इनके बस का नहीं लग पा रहा, क्योंकि जिन लोगों का काम है उसी को जो वो साझता है। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों की ये डिमांड है कि जो इनके पीडीडी इंप्लॉयज की मांगे हैं उसके ऊपर गौर किया जाए ताकि जल्द से जल्द बिजली बहाली हो पाए। हालांकि कल एक खुशी की जो वो खबर जरूर आई थी कि बिजली आ गई है, आपको ये रैया इलाके से दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर जनता का हुजूम आपके सामने है। ये जनता आज सड़कों पर निकली है और ग्रिड स्टेशन की बात करें रैया इलाके की, तो ये बॉर्डर की और जितनी भी बिजली की सप्लाई वो यहीं से जाती है, लेकिन लोगों ने सड़क पर जो वो अब पूरी तरह से यहां पैर जमा लिया है और यहाँ सुबह से लोग खड़े हैं और लोग चाहते हैं कि जब तक बिजली नहीं आएगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और इसमें तहसीलदार सांबा की बात करें, डीसी सांबा की बात करें, तो अधिकारियों को कहा जा रहा है कि आप लोग ग्राउंड पर आकर देखिए कि इस समय क्या हालात बने हुए हैं। तो ये हालात कहीं ना कहीं बद से बदतर होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक दिन दो दिन बंदा जो है वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन अब जो लोगों के घरों पर इन्वर्टर्स हैं या और सोर्सेज हैं बिजली के वो अब नहीं है और फाइनली अल्टीमेटली अब जो सांबा है पूरी तरह से अंधकार में डूब चुका है। तो ये एक चिंता का विषय है, लोग किस तरह से काम करेंगे, या दुकानदार लोग हैं, कई बिजनेस ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यहाँ पर काम बिना बिजली के नहीं होगा, लेकिन अब पूरी तरह से सिस्टम ठप हो चुका है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिजली की बहाली हो, लोग अपने काम करें और उसी के चलते पीडीडी इंप्लॉयज की बातों के ऊपर गौर करना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि जितने भी राउंड की बात अभी तक हुई है वो सारी की सारी फेल साबित हुई है। अभी तक कोई भी निष्पक्ष कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, रैया इलाके के सब लोग यहाँ पर सड़कों पर हैं और बॉर्डर की ओर जाने वाला ये जो रास्ता है रैया इलाका, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया, कोई गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा उस गाड़ी को। और आप देख रहे हैं पूरा रैया इलाका इस समय यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई और भी लोग बात करना चाहते हैं तो वो अपना संदेश एडमिनिस्ट्रेशन तक दे सकते हैं ताकि बिजली की बहाली जो वो जल्द से जल्द हो, क्योंकि यही अब इस समय नीड ऑफ द आवर है कि बिजली की बहाली हो तो अंधकार में जो अलग अलग इलाके डूबे हुए हैं वहां पर फिर रोशनी हो, फिर वो इलाके जगमगाते हुए नजर आए। कोशिश करूंगा यहां पर कुछ और लोगों से बातचीत करने के लिए। ये आप हुजूम देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर इस समय इकट्ठे हैं। क्या नाम है आपको? सर सुनील कुमार। कितनी दिक्कत पेश आ रही है बिना बिजली की? सर देखिए इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गर्म में पानी तक नहीं हुआ है किसी को भी, इस टाइम पानी तक नहीं है, मतलब बुजुर्गों के लिए काफी परेशानी, गर्म पानी, सर्दियां हैं इस टाइम, सर्दियों में बुजुर्गों को पानी गर्म की जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। जहाँ तक की लाइट की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि
फोन तक बंद हो चुके हैं, बच्चों के कैसे पढ़ेंगे कल, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कैसे लगेंगी। प्रशासन को ये चीज सोचनी चाहिए, डिपार्टमेंट की उनकी बातें सुननी चाहिए, पीटीटी डिपार्टमेंट की, कि उनकी हल करें और लाइट को सुचारू करें। जैसे मीडिया के माध्यम से ट्रोल किया जा रहा है, फेसबुक पे भी ट्रोल किया जा रहा है कि 90% सेना को देखकर 90% लाइट चल रही है, लेकिन 90% चल रही है तो कहाँ चल रही है, 10% में हमारे यहाँ सिर्फ क्या। और ये ऐसा झूठ जो मीडिया की तरफ से फैलाया जा रहा है, ये गलत फैलाया जा रहा है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारी बात आप प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं। प्रशासन तक हम ये संदेश देना चाहते हैं, अगर आप रात में ही हमारी लाइट नहीं करते, जब तक लाइट नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और तब तक हम यहीं बैठेंगे, यहीं डेरा लगा लेंगे। अब जब तक लाइट नहीं छोड़ेंगे तब, जैसे कि जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं वो जाकर बिस्तरों में सो चुके हैं, उनको उठकर आना पड़ेगा तब ही ये रास्ता खुलेगा। चाहे हमें दो दिन के लिए बैठना पड़े, हम यहाँ बैठे हुए हैं बिल्कुल। और ये सभी युवाओं की मांग है, ये और सभी साथ में बैठे हुए हैं, सभी घर से निकल कर आ चुके हैं। आप पीछे देख सकते हैं पूरा जहाँ हजूम इकट्ठा हो चुका है। थोड़ी देर में अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो यहाँ से आगे हम डीसी ऑफिस तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और कल हम डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन करेंगे अगर ये हमारी हल नहीं हुआ रात को, और रात को तो हम यहीं बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आज कई बच्चे जिनके आज एग्जाम जो वो कैंसिल कर दिए गए, नहीं उन एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया, कारण बिजली नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे किस तरह से। और अगर मोबाइल्स को लेकर बात करें तो मोबाइल्स भी अब चार्ज होना बंद हो चुके हैं, क्योंकि इन्वर्टर्स का सहारा था लोगों को, लेकिन इन्वर्टर्स भी बंद हो चुके हैं। अब कोई सोर्स नहीं है, यही मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर आपको अंधकार दिखाई दे रहा है, सिर्फ आग की रोशनी है, जो कुछ चंद मोबाइल्स की रोशनी आपको जरूर दिखाई दे रही है, जिसके सहारे हम भी आपको ये खबर आपके तक पहुँचा रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी तो खबर पहुँचा रहे हैं। तो इस समय ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है, यानी यूं कहें तो कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा। इसलिए जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो आपने कल इनिशिएटिव लिया, भारतीय सेना को एक जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेवारी को जबरदस्त तरीके से निभा रही है भारतीय सेना, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर बिजली बहाली नहीं हो पाई है, ये एक चिंता का विषय है। और सांबा के अलग अलग इलाके इस समय भी अंधकार में डूबे हुए हैं। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन के साथ जो पीडीडी एम्प्लॉयज की मीटिंग चल रही है उसका कोई निष्पक्ष निकले, उसका कोई रिजल्ट सामने आए, और एक फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आए, ताकि बिजली की बहाली जल्द हो। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों ने सुबह मीटिंग कर जिला स्तर पर अलग अलग लोगों को हायर किया, उनके बस का नहीं लग रहा कि यहाँ पर भी जिस जिस ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट आए हैं उन फॉल्ट को मेंटेनेंस जो उसको दी जाए, लेकिन शायद ये पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा। सुबह 11 बजे के रैया इलाके के लोगों ने ये रोड बंद किया है, लेकिन अभी तक यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कोई भी नहीं आया, शायद वो इस इशू को लेकर सीरियस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में एक चिंता का विषय बन चुका है कि यहाँ के लोग कहीं ऐसा ना हो कि बड़े स्तर पर आगे प्रदर्शन शुरू कर दे। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको रैया इलाके से दिखा रहे हैं, सांबा का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, और रैया के आगे जितने भी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके हैं वो भी इस समय अंधकार में डूबे हुए हैं, और बॉर्डर पर बिजली होना बड़ा जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हालात कुछ और हो जाए और एक चिंता का विषय और ज्यादा बन सकता है। तो इसलिए प्रशासनिक अधिकारी को चाहिए कि यहाँ पर आए और इस चीज का हल करें, निपटारा करें, क्योंकि लोगों को इस समय काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं बिना बिजली के। तो जल्द से जल्द बिजली की बहाली की जाए, यही लोगों की मांग है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।